Hello, my dear students and parents. This is Sanjana. Once again, welcome you in my 7th video with a new topic, development of class 10 from your NCERT book. So, आइए देखते हैं हम इस chapter में आपके character topics cover up करेंगे. तो जो topic हम लोग लेने वाले हैं इस chapter में, chapter का नाम है development. तो हम लोग समझेंगे meaning of development and जो second topic हम लोग लेंगे different people have different goals. उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका टॉपिक इनकम एंड अदर गोल्स एंड उसके बाद हम समझेंगे नेशनल डेवलपमेंट. तो बेसिकली हम जो डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जो हमारा फोकस रहेगा वो नेशंस के ऊपर फोकस रहेगा. उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट. उसके बाद जो हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है आपका इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. नेक्स्ट टॉपिक विल बी पब्लिक फैसिलिटीज और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहेगा जो मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुकी हूँ, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. तो आई वुड सजेस्ट माई क्लास 8 स्टूडेंट्स, जब मैं ये लास्ट टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ाऊँ प्लीज आप ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपका वो टॉपिक आपका रिवाइज भी हो जाए और इनकेस आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो इस वीडियो के थ्रू आपका वो कवर अप हो जाए. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट और समझने की कोशिश करते हैं इन डिटेल. तो देखना चाहूंगी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोग डेवलपमेंट को क्या समझते हैं. डेवलपमेंट हर किसी के लिए ना अलग अलग मीनिंग है. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन को करने के डिफरेंट बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक होते हैं ना मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 या किसी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए. सपोज एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों से जो पूछा जाएगा, तो अगर 3 स्टूडेंट से पूछा गया है तो सबके जो वे ऑफ आंसरिंग है उस क्वेश्चन का सबका अलग अलग है. तो इसी हिसाब से डेवलपमेंट को भी अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग गोल्स बनाए हैं डेवलपमेंट के लिए कि उनके लिए क्या है. तो बिफोर नोइंग व्हाट आर द गोल्स, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं डेवलपमेंट का मीनिंग. तो डेवलपमेंट का मीनिंग इन जनरल क्या है. डेवलपमेंट को हम कहते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर, स्ट्रॉन्गर, बेटर एक्सेट्रा, ऑफ मेकिंग समबडी समथिंग गुड. मतलब हम लोग और अच्छा हो जाए, स्ट्रॉन्गर हो जाए, बिगर हो जाए, बेटर हो जाए, किसी चीज को करने में हमारी क्षमता और अच्छी हो जाए, दिन ब दिन हम लोग डेवलप होते रहे. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कि जैसे कि मैंने अब अपनी ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट कर लिया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होगी. मेरे लिए डेवलपमेंट होगी कि मेरा यूट्यूब चैनल काफी स्टूडेंट्स तक पहुंचे, व्यूज काफी अच्छे आए, कंसेप्ट क्लियर हो बच्चों के. और ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी मार्केट में यूट्यूब चैनल्स नहीं है या ऑलरेडी मार्केट में लोग नहीं समझा रहे, बट मेरा जो गोल है इस समय, जो मेरा गोल है, मेरे लिए जो डेवलपमेंट होगी अगर मेरा यूट्यूब चैनल बहुत जगहों पे पहुंचे, बहुत स्टूडेंट्स तक पहुंचे, तो मेरे लिए इस समय मेरे लिए ये डेवलपमेंट होगी. तो इसी हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये हमारे इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है, तो हम उसको और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. हम गरीबी और अमीरी से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. डेवलपमेंट को मैं मेजर कर सकती हूँ मटेरियल थिंग्स में एंड नॉन मटेरियल थिंग्स में. मटेरियल थिंग्स में आप लोग लेके चल सकते हैं कि मिस्टर एक्स है, उन्होंने उनकी ऑफिस से प्रमोशन हुई, तो सबसे पहले डेवलपमेंट उनकी क्या हुई, ऑफिस में प्रमोशन. ऑफिस से प्रमोशन हुई तो उनको उनकी सैलरी इंक्रीज हुई, उनकी सेकेंड डेवलपमेंट हुई. सेकेंड डेवलपमेंट हुई तो उन्होंने सोचा कि जब मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई है तो क्यों ना मैं अब 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आ जाऊँ, तो उनकी वो थर्ड डेवलपमेंट हुई. और उन्होंने सोचा कि जब मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई है, अच्छी खासी सैलरी इंक्रीज हुई है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूलिंग प्रोवाइड कर सकूँ. तो उन्होंने अपने बच्चों की जो स्कूल है वो चेंज कराया और उनको अच्छे स्कूल में डाला. तो उनके लिए डेवलपमेंट ये है मिस्टर एक्स के लिए. मिस्टर वाई एक लेबर क्लास है, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगी. उनके लिए डेवलपमेंट होगी कि उनको पर डे जो वेजेस मिल रही है वो उनकी इंक्रीज हो जाए. हाँ, उनको 1000 रुपये पर डे मिलते हैं तो उनको 1200 या 1300 रुपये मिल जाए, तो शायद उनका जो थोड़ी
थी बहुत भूख की रह जाती थी या उनको मन अपना मारना पड़ता था, वो लोग कोशिश कर पाए कि अपने बच्चों का मन ना मारे, या उनके लिए और अगर थोड़ा सा और डेवलपमेंट हो गई तो वो अपने बच्चों को जो वो अपने साइट्स पे साथ में लेके आते थे, जो भी वर्कर्स जो होते थे लेबरर्स जो अपने बच्चों को साथ में लेके आते थे, तो वो सोच सकते हैं कि अगर हमारी इंक्रीमेंट हो जाए हमारे वेजेस में तो हम अपने बच्चों को अपने साथ ना ला के स्कूल में एडमिशन कराएं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े, बट उन लोगों के पास इतना सफिशियंट फंड्स नहीं होते कि वो बच्चों को पढ़ा सके। तो डेवलपमेंट उनके लिए ये है। और एडवांस में और थोड़ा सा क्लियरली डिटेल समझने की कोशिश करते हैं डेवलपमेंट का मीनिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग मोर एडवांस्ड, अ मोर एडवांस्ड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? मतलब उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स लाना। मतलब प्रोडक्ट के कंसेप्ट में अगर हम समझें, ये तो हमने एज एन इंडिविजुअल समझने की कोशिश करी है, बट अगर हम किसी प्रोडक्ट को लेके समझें तो उसमें हम लोग क्या समझेंगे, उसमें हम प्रोडक्ट में ये समझेंगे। जैसे कि मैं अपनी क्लास 8 की जब मैंने रिसोर्स चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था वॉशिंग मशीन का, राइट? तो उसमें पहले सेम ही वॉशिंग मशीन थी, उसके बाद आई फुली ऑटोमेटिक मशीन। तो वो क्या हुई? डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट क्यों हुई? बिकॉज कस्टमर की जो नीड्स हैं वो चेंज हुई, इसलिए डेवलपमेंट हुई। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं, और डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स वो किस लिए हैं। और डेवलपमेंट को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मटीरियल थिंग्स एंड नॉन मटीरियल थिंग्स। मटीरियल थिंग्स में जो नंबर वन है वो आपका मनी हो गया, सेकेंड कार हो गया, हम उससे थोड़ा सा बाइफिकेट कर सकते हैं। और नॉन मटीरियल थिंग्स में क्या हो सकता है? फ्रीडम, आपका रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें हम नॉन मटेरियल थिंग्स में लेंगे, ये नॉन मॉनेटरी थिंग्स में कंसिडर करेंगे। तो अपना आप लोगों को आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा डेवलपमेंट का मीनिंग एंड व्हाई डू पीपल हैव डिफरेंट गोल्स और डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स। तो आई होप ये आपको इन डिटेल क्लियर हुआ होगा। ये मैंने ओवरऑल आपको जनरल मीनिंग समझाया है। तो आइए देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक्स में क्या क्या चीजें हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स लेके चलते हैं, रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी बुक्स थोड़ा मैं फास्ट पढ़ूंगी ताकि आपकी वीडियो जो है वो थोड़ी सी आपकी बोरिंग ना हो, क्योंकि बिकॉज मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बट आपको रीड आउट भी कर देती हूँ ताकि कोई हमारा पॉइंट मिस ना हो जाए। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। ये जो डेवलपमेंट का आइडिया है ये हमेशा से चलते हुए आ रहा है, ये नहीं कि ये आज आया 2020 में आया, नहीं, कि बहुत पहले से आ रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी चीज को प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले या लॉन्च करने के बाद भी, लॉन्च हो गया उसके बाद भी डेवलपमेंट चलती रहती थी, कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ता था। वी हैव एस्पिरेशन और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हम लोगों की एक एस्पिरेशन होती है, हमारी कुछ ड्रीम्स होती है कि हम ऐसी जिंदगी जिए, वैसी जिंदगी जिए, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो। लाइक आप लोगों ने अभी इस समय करेंट एक जोक सुन रहे होंगे, लाइक लॉकडाउन के टाइम पे मेड्स वगैरह अलाउड नहीं है। तो पहले हम लोगों की जो सोच हुआ करती थी, मतलब वो सोच तो अभी भी रहेगी बट एक जोक बन रहा है, पहले हम लोगों की सोच हुआ करती थी यार बड़ा बंगला हो हमारा, अच्छे खासे कमरे हो, छोटे ये ना हो एक आधी कमरा हो, आज मतलब अच्छे खासे रूम्स हो। और आज के टाइम में ड्यूरिंग लॉकडाउन जब हमारे पास मेड्स नहीं है तो अब हम लोग क्या सोचते हैं, यार घर ही छोटा होता कम से कम हमें सफाई तो कम करनी पड़ती। तो ये जोक है बट मैं आपको एक तरीका समझा रही हूँ कि हम लोगों की सोचें बड़ी बड़ी हैं। तो मतलब हम लोग बहुत बड़ा सोचते हैं, राइट, हमें हमारे ड्रीम्स बिग होने चाहिए, जब हम यहाँ सोचेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे जाके। तो इसलिए डेवलपमेंट का मीनिंग हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे ड्रीम से इंटरकनेक्टेड है। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में और क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। देख अभी तो हम इंडिविजुअली समझने की कोशिश कर रहे थे या प्रोडक्ट वाइज समझने की कोशिश कर रहे थे, बट जो हमारा इस चैप्टर में फोकस रहेगा वो एज ऑन कंट्री रहेगा कि कंट्री के लिए डेवलपमेंट क्या है। कंट्री के लिए डेवलपमेंट वही है कि यार जो इंडिविजुअल की अगर इनकम ग्रोथ इंक्रीज होती है तो वो ओवरऑल जब जाएगी तो वो नेशनल डेवलपमेंट भी कहलाएगी। मतलब अगर हम लोग
हम जो इंडिया में रहते हैं, अगर हमारी डेवलपमेंट होगी, इंडिविजुअल लोगों की डेवलपमेंट होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी नेशन की भी डेवलपमेंट होगी। आइए आगे रीड करते हैं। आगे जो आपका दे रखा है, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, क्या एसेंशियल थिंग्स हैं? कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? यस, हो सकती है अगर हम कोशिश करें तो। उसके आगे, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? उसके बाद एक और क्वेश्चन आया, कैन वी हैव मोर इक्वालिटी, क्या और इक्वालिटी हो सकती है? लाइक एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या एक सच्चाई है, क्या गर्ल्स और बॉयज इक्वल हैं? क्वेश्चन मार्क, ये लाइफ टाइम में क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, जो भी अभी मैंने क्वेश्चन पढ़े थे, रीड आउट किए थे, उन सब के बारे में सोचना, उनका आंसर निकालना, और उनका आंसर निकाल के उनको पॉसिबल करना, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इतना आसान नहीं है मेन और वुमेन का इक्वल समझना, उसके लिए हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। या एक पॉइंट पे आके हम लोग कहते हैं कि वी आर इक्वल, बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहां पे वो जो स्टेटमेंट है हमें उसे डिसएग्री करना पड़ता है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इश्यूज इन ग्रेट डेप्थ इन हायर क्लासेस। अभी क्लास 10 में हम थोड़ा सा लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बट जब जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे, क्लास 11th में आएंगे, क्लास 12 या और फर्दर स्टडीज करेंगे, उसमें आप ये डेवलपमेंट टॉपिक और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो यू विल फाइंड द आंसर टू मेनी ऑफ दिस क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। We can't desire for change without being aware of this. In this way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. इसमें एक चीज दे रखी है कि हम लोग जो ये हमारी aims हैं, development aims है, ये हम कैसे achieve कर सकते हैं? हम कैसे achieve कर सकते हैं? It is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved. हम एज एन इंडिविजुअल नहीं अचीव कर पाएंगे, कोशिश तो हम लोग करेंगे, बट जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है या हमारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो हमें हेल्प आउट करेगा, तो हम लोग अपने जो गोल्स हैं, एम्स हैं, हम लोग वो अचीव कर पाएंगे। उसके आगे क्या है, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बट आपके एनसीईआरटी को भी कवर अप कर रहे हैं, ताकि अगर कुछ न्यू पॉइंट मिलता है हमें तो मैं साथ ही साथ आपको क्लियर कर पाऊँ। तो नेक्स्ट है आपका, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट की क्या क्या प्रोमिसेस हैं और डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट गोल्स हैं, ऐसा क्यों? यू वॉन्ट अ कार, द वे आर कंट्रीज सेटअप, ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ओन अ रिक्शा यू पुल। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन। ये लिस्ट कुछ दे रखी है आपकी, लैंडलेस रूरल लेबरर्स, उनके लिए क्या डेवलपमेंट गोल्स है? उनके लिए कोई मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, देर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। यस, जब मैंने आपको लेबर्स का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें इंक्रीमेंट इन वेजेस के साथ साथ वो लोग ये भी चाहेंगे कि उनको, मतलब लोगों से अलग ना समझा जाए। अगर उनके बच्चे स्कूल जाना शुरू करें, सपोज गवर्नमेंट स्कूल ही गए, गवर्नमेंट स्कूल में जरूरी नहीं है सिर्फ आपके लोअर क्लास लोअर इनकम पीपल्स के ही बच्चे जाते हैं। आज के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम है गवर्नमेंट स्कूल का भी काफ़ी अच्छा है, और कुछ अच्छे पेरेंट्स भी वहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, तो वो चाहते हैं लेबरर्स के जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। उसके बाद है प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। फार्मर्स के लिए क्या है कि उनकी जो फसल है वो अच्छे दामों में बिक पाए, और ऑटोमेटिकली उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इंक्रीज हो, और ऑटोमेटिकली उनकी फैमिली को इफेक्ट करे इन अ गुड वे। उसके बाद है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स।
कुछ क्रॉप्स ऐसे मतलब जो फार्मर्स सिर्फ बारिश पे निर्भर हैं उनकी अपनी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, फार्मिंग के लिए, तो उन लोगों के लिए क्या डेवलपमेंट की बारिश अच्छी खासी हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, मतलब उनके क्रॉप्स को हार्म ना पहुंचाए और उनकी फसल अच्छी उग पाए। तो अच्छी रेन होना भी एक हम लोग मतलब ये कह सकते हैं। उसके बाद है रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग कंपनी फैमिली, उसके लिए क्या है। अर्बन अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड यूथ, उसके लिए क्या है कि उसको जॉब मिल जाए, वो एम्प्लॉयमेंट को मिल जाए, तो जॉब मिल जाए उसे, अच्छी खासी जॉब मिल जाए, वो अपनी फैमिली को अच्छे से पाल पाए, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, फुलफिल कर पाए। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, इन सब की मतलब ये तो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ऐसे जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल समझाए थे। तो मतलब सबके जो डिफरेंट पीपल हैं विद डिफरेंट थिंकिंग हैव डिफरेंट गोल्स, उनके लिए सबके लिए अपना अपना मतलब है डेवलपमेंट का। इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है लेट अस नाउ एग्जामिन इट, डू ऑल दिस पर्सन हैव सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, क्या सबके लिए जो जो हमने अभी पर्सन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन रीड आउट करे हैं, क्या सबके लिए डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का मतलब सेम है। मोस्ट लाइकली नॉट, राइट, किसी के लिए भी सेम नहीं है, मतलब सबके लिए डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, मतलब इनडायरेक्टली डेवलपमेंट क्या है, जो उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज होना, दैट इज विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन डिजायर और नीड्स। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन मे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, लाइक सपोज मैं आपको बताती हूँ, इसको और अच्छे समझते हैं। एक मिक्सर एक्स है एंड एक मिक्सर वाई है इन अ कंपनी, इन एक्स वाई जेड कंपनी, और मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, और मिस्टर एक्स को प्रमोशन मिलती है, ठीक है, प्रमोशन मिलती है, मिस्टर एक्स के लिए वो डेवलपमेंट है, बट मिस्टर वाई ऑन सेम लेवल, दोनों एक सेम लेवल पे थे बट मिस्टर एक्स को प्रमोशन मिल जाती है, तो उससे जो मिस्टर वाई है वो खुश नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट हो रही है कि मिस्टर जो मिस्टर एक्स है उनके लिए वो खुशी की बात है वो, बट मिस्टर वाई के लिए डेवलपमेंट नहीं। लाइक जैसे आपके और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक डैम्स का एक एग्जाम्पल है, ये आपको हर वीडियोज में या हर बुक्स में आपको ये समझने को मिल सकता है। टू मेक द कंसेप्ट क्लियर, डैम्स वगैरह जो है वो आपके जो और लोग हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है कि उनको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बट जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये इशू हो सकता है। इशू क्या है कि उनको वो जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, मतलब ये सारी चीजें हैं, मतलब उनको दूसरी जगह अलॉट की जाएगी बट उनको अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ेगी जहाँ पे अब डैम बन रहा है। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो हम लेके चल रहे हैं उसको रीड करते हैं, थोड़ा सा ही रह गया है आपका। उसके बाद है, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर हैव दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, एक लड़की क्या चाहेगी, एक लड़की चाहेगी कि मेरे भाई भी उतना ही काम करे जितना वो काम करती है, हाउस होल्ड वर्क करती है, अपनी मम्मा की हेल्प करती है, तो वो भी चाहेगी कि मेरा भाई भी हेल्प करे, उसके लिए डेवलपमेंट वो है। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस बट उसका जो ब्रदर है वो पसंद नहीं करेगा ये चीज। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियल मे वॉन्ट मोर डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडस्ट्रियल्स मे वॉन्ट मोर डैम्स, बट दिस मे समर्ज द लैंड, डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस सच एज ट्राइबल्स, दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रिफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर नाउ, क्या चीजें क्लियर हुई हैं, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एंड टू क्या है, वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी इवन बी द डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या समझा है, इस टॉपिक में आज लोग जो हमने कवर किया है वो हमने डेवलपमेंट का मीनिंग समझा है, और हमने ये भी समझा है कि डेवलपमेंट मटीरियल थिंग्स होती हैं, नॉन मटीरियल थिंग्स होती हैं, और एक चीज़ हमने और समझी है
वो हम लोगों ने समझी है कि डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट गोल्स हैं, डिफरेंट मीनिंग है डेवलपमेंट का. और सेकंड चीज समझिए कि डिफरेंट क्या चीज समझी हमने, सेकंड लास्ट जो चीज हमने समझी है अभी जस्ट मैंने लास्ट टाइम रीड आउट करी थी, वो हमने जो समझी है कि अगर डेवलपमेंट मिस्टर एक्स के लिए या जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो आपके लिए डेवलपमेंट नहीं होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है. या तो ये कह सकते हैं या मेरे लिए जो डेवलपमेंट है वो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकती है. तो आइए अब इस क्लास को ओवर करते हैं और अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इटसेल्फ और कोशिश करूंगी आपको नेक्स्ट टॉपिक भी अच्छे से समझा सकूं. इन केस आपको जो आज मैंने समझाया है if you feel any doubt you can simply mail me over akgtutorials2020@gmail.com. till then take care, stay at home, stay fit and stay healthy. bye bye.